हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में स्टडी करेंगे। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, प्रीवियस वीडियो में 5 प्रॉपर्टी डिस्कस किया था एंड प्रूफ किया था। अब 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है, एन सी एन प्लस एन प्लस वन सी एन प्लस एन प्लस टू सी एन प्लस दो एन प्लस के सी एन इक्वल टू एन प्लस के प्लस वन सी एन प्लस वन। तो यहाँ पे ये सी एन फिक्स्ड है एंड जो एन है एन एन का वैल्यू एन से एन प्लस के तक, मतलब यहाँ पे के प्लस वन टर्म्स है। कितने टर्म्स है यहाँ पे, के प्लस वन टर्म है। तो के प्लस वन टर्म में ये एन को एन चेंज होकर कितना होगा, एन प्लस के प्लस वन, जितने टर्म है उतना ही बढ़ गया। और इधर नीचे में एन के जगह में एन प्लस वन हो गया। ये हमको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एन सी एन एन प्लस वन सी एन एन प्लस टू सी सी एन प्लस डॉट 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 लास्ट वाला एन प्लस के सी एन। सो यहाँ पे एन प्लस जीरो से लेकर एन प्लस के तक, मतलब के प्लस वन टर्म है। कितने टर्म है, के प्लस वन टर्म्स। अब ये एन प्लस एन सी एन को हम लिख सकते हैं, ये एन सी एन को एन सी एन इक्वल टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन इस प्रकार लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एन सी एन इक्वल टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, इसका वैल्यू भी वन है, उसका वैल्यू भी वन है। फिर हमको मालूम है एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन, इसके केस में क्या मिलता है, एन प्लस वन सी आर प्लस वन। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, एन प्लस वन। तो ऊपर का एक बढ़ जाएगा, एन प्लस टू सी एन प्लस वन। फिर इसके साथ ऐड करना है प्लस डॉट 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 एन प्लस के सी एन। फर्स्ट स्टेप में एन प्लस वन था, एन प्लस टू हो गया। तो यहाँ पे के प्लस वन टर्म है, यहाँ तक ऐड करेंगे, यहाँ तक ऐड मतलब के ऐड करेंगे, के टर्म ऐड करेंगे, के नंबर ऑफ टर्म ऐड करेंगे। तो दो टर्म एक स्टेप में ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार चलने से के नंबर ऑफ टर्म ऐड करने के लिए हमको के माइनस वन स्टेप चाहिए। तो ये सब फर्स्ट स्टेप में ये दो ऐड हुआ, सेकेंड स्टेप में इसके साथ ये ऐड होगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका रिजल्ट के साथ वो वाला टर्म ऐड होगा। इस प्रकार चलने से हमको कितना स्टेप चलना होगा, के माइनस वन स्टेप चलना होगा। के माइनस स्टेप के बाद में क्या होगा, एन प्लस वन था पहले, फिर ऐड होगा क्या, के माइनस वन सी, नीचे का एन प्लस वन ही होगा, फिक्स है। एन प्लस वन था, इसमें भी एन प्लस वन ही होगा, और लास्ट टर्म एन प्लस के सी एन। अब ये दोनों ऐड होने से क्या होगा, ये दो को ये यहाँ से मिल रहा है हमको, ये कैंसिल करने से एन प्लस के ऊपर में सेम है, नीचे में एन प्लस वन सी एन। तो ऊपर में वन ज़्यादा होगा, एन प्लस के प्लस वन सी नीचे का बड़ा वाला, दैट इज योर राइट हैंड साइड। सो आइडेंटिटी नंबर 6 को प्रूफ किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मिला है। तो जब नीचे का फिक्स रहता है, ऊपर एक एक करके बढ़ रहा है और के तक पहुंचा है और के प्लस वन टर्म से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, एन के प्लस वन एन प्लस वन। ये नीचे का एन एक बढ़ जाता है और ऊपर का के प्लस वन ऐड हो जाता है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6। अभी 7 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी में क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 7, एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू डॉट एन सी एन इक्वल टू टू दी पर एन। सो इसके लिए हमको मालूम है वन प्लस एक्स इज एन सी नॉट एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स टू दी फोर एन।
सो ये बाइनोमियल एक्सपांशन में ये सारे कोफिशेंट है, और x का वैल्यू अगर a1 वन डाल दिया फॉर x इक्वल टू वन, वन प्लस एक्स टू द पावर n का वैल्यू ये होता है, n का एक्सपांशन। सो x इक्वल टू वन डालने से वन प्लस वन टू टू द पावर n इक्वल टू एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू एन सी एन। तो सेवन नंबर प्रॉपर्टी का प्रूफ ये है, हमको मालूम है वन प्लस एक्स टू द पावर n ये बाइनोमियल एक्सपांशन है, इसमें x का वैल्यू वन पुट करके हमको सेवन मिलता है। उसी प्रकार एट के लिए x इक्वल टू माइनस वन डालेंगे, x इक्वल टू माइनस वन डालने से वहाँ क्या होगा, वन माइनस वन टू द पावर n एन सी नॉट माइनस एन सी वन प्लस एन सी टू माइनस लास्ट वाला टर्म में माइनस वन पावर n एन सी एन, और इसका वैल्यू कितना हो रहा है, दिस इज इक्वल टू जीरो। तो एन सी नॉट माइनस एन सी वन एन सी टू माइनस माइनस वन टू द पावर n एन सी वन इक्वल टू जीरो। तो आइडेंटिटी नंबर एट या प्रॉपर्टी नंबर एट भी प्रूफ हो जाता है इसी के साथ। अब नाइन एंड टेन देखेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर नाइन देखते हैं, इसमें क्या है, एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी एन, लेकिन इस सभी को इसमें वन से मल्टीप्लाई टू से मल्टीप्लाई अप्लाई किया गया है, थ्री से मल्टीप्लाई किया है। इस प्रकार हर कोफिशिएंट को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है कि ये वन टू थ्री ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इक्वल टू एन टू द पावर एन माइनस वन मिलना है। तो प्रूफ देखते हैं, प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू एन सी वन प्लस टू एन सी टू प्लस थ्री एन सी थ्री प्लस एन एन सी एन एन इंटू एन सी एन। और लास्ट क्लास में प्रीवियस वीडियो में एक प्रूफ किया था रिजल्ट के एन सी के, ये की और ये मल्टीप्लायर सेम होने से इसको हम लिख सकते एन होने से, यह एन को माइनस करना है वन एन माइनस वन सी के माइनस वन। जब ये वाला नीचे का जो के है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एन सी के को, तो हम इसको n इंटू एन माइनस वन सी के माइनस वन लिख सकते हैं। इसका प्रूफ प्रीवियस वीडियो में किया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। सो ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे, इसको वन इंटू देख सकते हैं वन एन सी वन, उसको लिख सकते हैं क्या n n माइनस वन सी नॉट, इसको लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन सी वन प्लस डॉट लास्ट वाला को लिख सकते एन इंटू एन माइनस वन सी एन माइनस वन। ये भी एन एन सी एन भी वन है, एन सी एन माइनस वन सी एन माइनस वन भी वन ही है, और ये वो एन से मल्टीप्लाई है। तो इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एन कॉमन है, सो एन माइनस वन सी नॉट एन माइनस वन सी टू सी वन प्लस डॉट एन माइनस वन सी एन माइनस वन। अब इसमें ये वाला रिजल्ट लगाने से, रिजल्ट नंबर सेवन को लगाने से क्या मिलेगा, एन इंटू टू टू द पावर एन के जगह में एन माइनस वन है एन माइनस वन, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। सो नंबर नाइन का प्रूफ ये है, ऑल्टरनेटिव प्रूफ भी है, उसको इंटीग्रेट करके भी मिल सकता है हमको ये रिजल्ट। और इसको और एक काम कर सकते हैं क्या, अगर s इक्वल टू लेट s इक्वल टू मान लिया जीरो इंटू एन सी नॉट वन इंटू एन सी वन टू इंटू एन सी टू प्लस डॉट लास्ट वाला टर्म n इंटू एन सी एन, ऐसे लिख दिया इसको। फिर इसको रिवर्स करके लिखेंगे s इक्वल टू एन इंटू एन सी एन एन माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस वन एन माइनस टू इंटू एन एन सी एन माइनस टू प्लस डॉट
लास्ट वाला में क्या मिलेगा, ये वाला जीरो एन सी नॉट। अब हम ऐड करेंगे और उसमें एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, प्रॉपर्टी क्या है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। सो जो एन सी एन है एन सी नॉट के साथ समान होगा, एन सी एन माइनस वन एन सी वन के साथ समान होगा, तो इसको हम एन सी नॉट भी लिख सकते हैं और इसको एन सी वन भी लिख सकते हैं, इसको एन सी टू भी लिख सकते हैं और इसको एन सी एन भी लिख सकते हैं। अब जब वर्टिकली ऐड करेंगे तो मिलेगा 2s, ये दोनों ऐड करने से एन सी नॉट एन इंटू एन सी नॉट, ये दोनों ऐड करने से एन एन इंटू एन सी वन एन इंटू एन सी टू प्लस डॉट एन इंटू एन सी एन, इस प्रकार मिलेगा। ये में से s इक्वल टू एन बाई टू, एन सभी में है तो कॉमन ले ले एन बाई टू, एन सी नॉट एन सी वन एन सी टू डॉट एन सी एन, तो एन बाई टू ये सीरीज का सम होता है टू टू द पावर एन। सो टू से डिवाइड करने से एन इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन, जो कि राइट हैंड साइड का सेम है। सो नाइन का प्रूफ हमने दो प्रूफ दिया, अब प्रॉपर्टी नंबर टेन का प्रूफ देखेंगे। नंबर टेन लेट, इसमें भी सेम आइडिया, एस इक्वल टू सी नॉट, एन नहीं लिखा गया, सी नॉट एन सी नॉट को कभी कभी सी नॉट लिखते, एन सभी में आ रहा है तो एन को हमने यहाँ पे नहीं लिखा, एन सी नॉट। सी नॉट का मतलब भी एन सी नॉट ही समझना होगा, सी नॉट टू सी वन थ्री सी टू डॉट एन प्लस वन सी एन। फिर इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, एस इक्वल टू एन प्लस वन सी एन एन सी एन माइनस वन एन माइनस वन सी एन माइनस टू प्लस डॉट सी नॉट एन। यहाँ पे जो सी एन है, सी एन इक्वल टू सी नॉट, सी एन माइनस वन इक्वल टू सी वन होता है, सी एन माइनस टू इक्वल टू सी टू होता है, सी नॉट इक्वल टू सी एन होता है, क्योंकि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर और सी आर इक्वल टू सी एन माइनस आर। तो अब ये दोनों ऐड करेंगे वर्टिकली तो क्या मिला है, 2s, यहाँ पे 1 है n प्लस वन दैट इज n प्लस टू सी नॉट एन प्लस टू सी वन एन प्लस टू सी टू डॉट एन प्लस टू सी एन। अभी एन प्लस टू को जब कॉमन लेंगे s इक्वल टू क्या होगा, एन प्लस टू ये टू को भी इधर लाया जा सकता है, सी नॉट सी वन सी एन, और इस सीरीज का सम क्या होगा, एन प्लस टू बाई टू इंटू टू टू द पावर एन, जिसको लिख सकते हैं एन प्लस टू इंटू टू द पावर एन माइनस वन, एन प्लस टू इंटू टू द पावर एन माइनस वन, दिस इज राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ प्रॉपर्टी नंबर टेन भी प्रूफ हो गया। आने वाले वीडियो में आगे का और प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।